अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर है, तो शायद आपकी जबान पर सबसे पहला नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी का आएगा। पर अब स्टैचू ऑफ यूनिटी जल्द ही दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होने का अपना दर्जा खोने वाली है, क्योंकि रामनगरी अयोध्या में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। श्री राम की ये मूर्ति 151 मीटर ऊंची होगी। इसके साथ छत्तरों की ऊंचाई 20 मीटर और पीठ की ऊंचाई 50 मीटर बढ़ाई जाएगी। फिर प्रतिमा की कुल ऊंचाई 221 मीटर हो जाएगी। इस परियोजना के लिए 447 करोड़ के बजट का भी प्रावधान किया जा चुका है। रामनगरी में प्रस्तावित विश्व की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा को बनाने का काम देश के प्रख्यात मूर्तिकार पद्मभूषण राम वी सुतार द्वारा किया जाएगा। इन्होंने ही गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में सरदार पटेल की प्रतिमा का निर्माण किया है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। भगवान श्री राम की ये प्रतिमा इससे 69 मीटर अधिक ऊंची होगी। ये प्रतिमा साहिबाबाद में स्थित मूर्तिकार राम वी सुतार की कार्यशाला में ही तैयार की जाएगी। 1000 कुशल कारीगरों ने सरदार पटेल की प्रतिमा 3.5 वर्ष में तैयार की थी, जबकि भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाने में 2000 के करीब कारीगर लगाए जाएंगे। आपको बता दें, साल 2018 में मुख्यमंत्री के सामने एक प्रतिस्पर्धा में प्रतिमा का मॉडल रखा गया था, जिसके निर्माण की अनुमति सीएम ने प्रदान कर दी है। अभी प्रतिमा लगने के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। जमीन मिल जाने के बाद करीब 4 वर्ष में प्रतिमा का निर्माण कर लिया जाएगा। प्रतिमा की डिजाइन रामवी सुतार के बेटे अनिल राम सुतार ने तैयार की है। इसी के साथ ही मुंबई में बन रही छत्रपति शिवाजी महाराज की 212 मीटर और बाबा साहेब की 137.2 मीटर ऊंची प्रतिमा और कर्नाटक में 46.6 मीटर ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा भी राम सुतार तैयार कर रहे हैं। फिलहाल आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।